दिशा विदेशा च पंजाब टुडे चैनल में देख रहे सारे दर्शकों नूं सत श्री अकाल। मैं हाँ डॉक्टर जिंदर सिंह ते आओ मारदे आं अज दीआं कुछ खास खास खबरां ते एक नज़र। पिछले दिनी अमरनाथ यात्रा ते होए हमले दे रोस च वख-वख हिंदू जथेबंदियों वालों अज पंजाब बंद दे दित्ते गए सदे दा अमृतसर च रलिया मिलिया असर वेखण नूं मिलिया। अमृतसर विच कई थावां ते पाकिस्तान ते अतवाद खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शिवसेना ते होर हिंदू जथेबंदियों वालों शांतमय ढंग नाल बाजारां विच खुल्लियां दुकानां नूं बंद करवाया गया। इस दौरान पुलिस वालों किसी भी अणसुखावीं घटना नाल नजिठण लई सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए सन। जिक्रयोग है कि भावें हिंदू संगठनों वालों पंजाब नूं पूर्ण तौर पर बंद रखने का ऐलान किया गया सी, पर फिर भी पुलिस वालों किसी भी हिंदू संगठन नूं जबरदस्ती बाजार बंद कराने की इजाजत नहीं दी गई। अमृतसर तो इलावा जलंधर बठिंडा और मोगा वर्गे शहरों में भी मुकम्मल बंद वेखन नूं मिलिया है। गुरदासपुर च भी पंजाब बंद के सदे नूं रलिया मिलिया हुंगारा मिलिया है। इत्थे भी हिंदू संगठनों वालों पाकिस्तान और अतवाद के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। मेरा नाम सुधीर कुमार सूरी जी, शिवसेना पंजाब चेयरमैन। अज असी जिहड़ा बंद का सद्दा दिता सीगा, वह जिहड़ी यात्रा अमरनाथ यात्रा से जिहड़े साडे श्रद्धालु मारे गए ने, सुत्तियां दे गोलियां चलाईयां गईयां बस के उपर, उन्हां दे दुख के कारण बाजार बंद करवाया गया। लेकिन असी सारे लोगों नूं, दुकानदारां नूं, व्यापारियों नूं, स्कूलों वालियां नूं हाथ जोड़ के पहले ही बेनती करती सी कि तुसीं कल बंद रखना, और किसी ने कल दुकान नहीं खोलनी, और 99% सब दुकाना बंद ने, और असी एक फॉर्मैलिटी से जा रहे हैं, और लोगों नूं हाथ जोड़ के उन्हां दा थैंक्स कर रहे हैं कि तुसीं साडा साडे दे पूरा माण कीता, साडी जबान दे उपर लाज रखी साडी कि तुसीं बाजार बंद रखे ने, और सेंटर गवर्नमेंट को असी मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार नूं भंग करके राष्ट्रपति राज लागू किया जाए, और अगली यात्रा जिहड़ी शिव शंकर भोलेनाथ जी दी है, बरवानी दी है, उन्हें बिना सिक्योरिटी के उपर लोगों नूं जाण दा हुक्म मिले और सब सही तरीके नाल चले। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो बड़ी धार्मिक यात्रा है, जिसपे हर जो समुदाय है, हर धर्म जो है उस पर अपनी आस्था रखता है। वहाँ की जो यात्रा हो रही थी उसमें हमारे श्रद्धालु जो जा रहे थे, आतंकियों ने उन पर हमला करके उनको जो मौत के घाट उतारा है, उनको जो बिना समय का उनको जो मौत दी है, वो हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ का लेके। इस संबंध में पूरे पंजाब की आज बंद की कॉल दी गई थी सभी हिंदू संगठनों की तरफ से, व्यापारिक संगठनों की तरफ से, और आज वो सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। अमृतसर तो ब्यूरो रिपोर्ट के नाल गुरदासपुर तो बिशंबर बिटूरी रिपोर्ट पंजाब टुडे। नाभा जेल चो फरार होया खतरनाक गैंगस्टर विक्की गौंडर जल्द ही फिर तो पुलिस दीआं सिखां दे पिछे होवेगा। यह दावा संगरूर विखे पत्रकारां नाल गलबात करदे होए पंजाब दे डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने किया है। डीजीपी मुताबक नशा समगलर, गैंगस्टर अते अतवाद पुलिस लई वड्डियां चुनौतियां हन, जिन्हां ते काबू पाउण लई पुलिस वल्लों पूरी कोशिश की जा रही है। डीजीपी का कहना है कि पुलिस गैंगस्टरां खिलाफ सख्ती नाल पेश आ रही है, अते विक्की गौंडर जिहे गैंगस्टरां दा उह नाम लैणा भी पसंद नहीं करदे। डीजीपी सुरेश अरोड़ा संगरूर की पुलिस लाइन में नौजवानों लिए बनाए गए कौमी पद्धर के शूटिंग रेंज, स्केटिंग ग्राउंड और जिम का जायजा लैन लिए पहुंचे सन। अज का एजेंडा की है जी, किस तरह का दौरा है? एजेंडा देखो, एक जनरल विजिट सी, जब डी जी कोई भी जनरल विजिट करते हैं तो उसके क्राइम भी डिस्कस होता है, उसके जो अपनी मेन समस्या चल रही है आजकल, चाहे वह ड्रग्स की समस्या है, चाहे वह गैंगस्टर की समस्या है, चाहे वह कोई रेडिकल्स की समस्या है, तो वह सारी गल्लां फिर डिस्कस होती हैं। फिर ये भी देखा जाता है भी क्राइम वाले पक्षों जो पुलिस स्टेशन की एक साड़ी
देखो इस तरह का अगेन लेट अस से कि भी जो आप नाभा जेल ब्रेक तो लेकर चलीए पहला ये सारे जेल से सी ना जे आप इस बंदे की गल करिए क्योंकि होंगे की है कि जिन्ना असं ज़्यादा ना लेंदे उन्नी ही शोहरत दे जाते हो इन्हों इन्नी शोहरत देने की लड़ नहीं होंगी तो इस करके मैं तो नाम ही लेना पसंद नहीं करता ना पहला भी फट के अंदर किया फिर नसे उदे जो चा फिर अंदर पहुँच गए तो ये टाइम की गल है सर, देखो इस तरह है कि दीज आर दी ऑपरेशनल डिटेल्स देर इज़ नो पॉइंट शेयरिंग दिस थिंग विद द मीडिया कि वट वी हैव वट वी डोंट हैव वट यू नो पीपल वॉन्ट टू सी एंड वट मीडिया वॉन्ट टू शो इज दैट वैन देर इज़ अ कंक्रीट रिजल्ट सो ट्रस्ट अस देखो साढ़े वास्ते बेसिकली मैं समझदा कि मेन तीन चैलेंजेस हैं वन इज ड्रग्स सैकेंड इज गैंगस्टर्स एंड थर्ड इज रेडिकल स्पोंसर टैरिज्म जिन्हों आप कहने सो दीज आर द थ्री मेन चैलेंजेस बाकी नॉर्मल क्राइम इज नेवर अ चैलेंज फॉर पंजाब पुलिस संगरूर तो कैमरामैन जसवीर मान दे नाल हर्ष कौशल की रिपोर्ट पंजाब टुडे। गुरदासपुर के कस्बा कानूवान के सठियाली नहर के कोल सवेर की सैर के दौरान सैल्फी लेंदे समय दो लड़कियों ने नहर च डुब जाने की घटना वापरी है। जानकारी के मुताबिक उक्त लड़कियों की पछाण निशा ते लवप्रीत वजो हुई है। घटना तो बाद स्थानक पुलिस ने लोगों की मदद नाल लड़कियों की भाल की जा रही है पर अज तक नहर च डुबण वाली इन दोनों लड़कियों का कोई भी सुराग नहीं मिलया है। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़कियां सवेरे सैर करने इत्थे आईया सन जिस दे दौरान उन्होंने सैल्फी लैन की कोशिश की वह नहर में जा डिगिया। मेरी बेटी लवप्रीत सी 19 साल की एज थी उन्होंने अल्टी इन्ना डेली सवेरे सैर कर आदियां तो घरों सवा क चार साढ़े चार की गल इतने सवा क पाँच बजे इतने पहुंचिया तो वह सैल्फी लैन दियाँ मोबाइल तो पहले दौड़ के आईया इतने पहले सह लैन लगियाँ सह लैन तो बाद मुड़ के एक्सरसाइज कर लग पीया उस तो बाद इन्हों के मन च आया कि चलो पानी के छल बड़े पैन दे सैल्फी लगिया लैन तो दूजी कहती सैल्फी पिछले डिग पैना तू डिग पैना इदा नाल उन्हें बह फट दी तो जो मोबाइल तो सुट गया घुलदियाँ तो मोबाइल डिग गया थले नाल ही दोनों ने साल मारती एक मेरी बेटी एक भतीजी मेरी वो छोटी बेटी सोफिया सी वो इतने रोन लग पी उची उची रोन लग पी उन्हें उन्होंने नहीं समझ लगी कोई तो उस तो बाद कोई उसकी आवाज़ वो इन्होंने किसी ने सुनिया नहीं वो दौड़ी दौड़ी रोंदी रोंदी घर गई है सानू ठाल लिया भी इदा दोवें कुड़ियां नहर च पै गई असी फिर मैं चूहे वाट पाई लागे अपने भरा ठाले पिंड तो लागे गुआढ़ी ठाले सारे असी आए फटाफट गड्डिया लैके तो दे पूरे पिंड वाले पूरे नाल साथ देन लग पे सारे पिंड वाले प्रशासन पूरी मदद कर दिया एक घंटा उन्होंने नहर भी बंद की पर पानी ज़्यादा होने करके ज़्यादातर वो नहीं आडा साथ दिता उन्होंने बड़ा बेटी लवप्रीत की उम्र सी कोई तकरीबन 19 साढ़े 19 साल सी तो अनीसा की जी 18 साल सी पढ़दियाँ सी बी ए च कर दी हाँ सैल्फी लाने के चक्कर बी ए च पढ़ रही दूसरी कुड़ी जी प्लस टू पढ़ती सी अनीसा बहुत ही दुखदायक घटना सुबह 5 बजे वापरी आ कि दो लड़कियां पिंड सठियाली दियाँ सैर करने इधर आईया सी नाल एक छोटी भैन सी तीजी तो वह सैल्फी लै रही सी सैल्फी का मोबाइल जो नहर के किनारे डिग पिया तो उन्होंने फड़द्या फड़द्या कुड़ी जी वो डिग पी दूजी उन्होंने बचाद्या बचाद्या डिग पी तो तीजी लड़की जी बची 14 साल की जी उन्होंने जाके घर दसिया कि आह घटना वापरी आ उस तो बाद असी तहसीलदार साहब साहब मौके पर आए तो प्रशासन वालों जी किस्ती होर जो गोताखोर वो ला के डेड बॉडियां लभिया जा रही कि एक दी उम्र 18 साल एक दी 17 साल एक प्लस टू च पढ़ती एक बी ए च कुड़ी पढ़ती। गुरदासपुर तो पिछंबर बिटू की रिपोर्ट पंजाब टुडे। गिद्दड़बाह के पिंड मल्लन च सवेरे एक व्यक्ति की गोली लगन करके मौत हो जाने की सूचना मिली है। जानकारी मुताबिक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर नु साफ कर रहा सी कि अचानक गोली चल गई जिस कारण इस व्यक्ति की मौत हुई है। दसाया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति पेशे वजो अध्यापक सी।
इस संबंधी वधेरे जानकारी देंदे ईटीटी यूनियन के आगुओं ने दस्या है कि अध्यापक जसविंदर सिंह अपने घर के चुबारे में बैठ के सवेरे 5 बजे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहा है कि अचानक रिवॉल्वर में गोली चल गई जो कि सीधी उसके सिर में जा लगी जिस दे नाल जसविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने दसाया कि मृतक जसविंदर सिंह मल्लन बीते 12 वर्या तो सरकारी प्राइमरी स्कूल डीएम मल्लन विखे बतौर मुख्य अध्यापक अपनी सेवा निभा रहा है। पुलिस वालों मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जसविंदर सिंह की अज बेवकती मौत हुई है, की कहना? सरदार जसविंदर सिंह जो कि किते वजो अध्यापक सी ते साडी जथेबंदी ईटीटी टीचर यूनियन विच बतौर ब्लाक प्रधान काम करता सी, बहुत ही नेक ते ईमानदार अध्यापक सी जिसनों की सरकार वालों समय समय से सन्मानित भी किया जाता सी। अज सवेरे वो अपने किसी काम लिए बाहर जा रहा सी तो अपना लसंसी असला जो उन्हें चक्या तो साफ कर लग गया तो अचानक इस हादसे दौरान वो चल गया तो वो बड़ी ही दर्दनाक तो बेवकती मौत हुई है। परिवार को जिते बहुत घाटा पिया उत्थे साडे इस पिंड मल्लन नू साडे समाज नू साडी जथेबंदी नू बहुत ही ना पूरा होने वाला घाटा होया तो परिवार नाल बहुत ही माड़ा होया। ये पिंड मल्लन तो जसविंदर सिंह जी ईटीटी टीचर सी ते ये अपना 32 बोर दा रिवालवर सीगा वो साफ कर रहे सी ते इनू पता नहीं लगा विच वी इहदे गोली हैगी है, अचानक गोली चल गई तो ये लग गई है जिस नाल इहदी मौत हो गई है ते असी 174 दी जिहड़ी कारवाई है वो अमल विच लिया रहे हैं। किदड़बाह तो सोनी ढल्ला की रिपोर्ट, पंजाब टुडे। नवांशहर विजिलेंस विभाग की टीम ने फर्द जमाबंदी रकबा पूरा करने के बदले 5000 रुपए की रिश्वत लैन वाले पटवारी रंगे हथी गिरफ्तार किया है। डीएसपी विजिलेंस सतपाल ने दसाया कि विजिलेंस विभाग में दी गई शिकायत जगनचंद पुत्र गरीब राम ने दसाया कि उसने हलका बंगा के पटवारी गुरदेव राम नाल अपनी फर्द जमाबंदी रकबा पूरा करने की गल की थी जिसते उक्त पटवारी ने 8000 रुपये की मांग की पर सौदा 5000 रुपये तय हो गया। डीएसपी ने दसाया कि उक्त शिकायत के आधार से विजिलेंस विभाग की टीम ने जिसते उक्त पटवारी ने 8000 रुपये की मांग की पर सौदा 5000 रुपये तय हो गया। डीएसपी ने दसाया कि उक्त शिकायत के आधार से विजिलेंस विभाग की टीम ने बंगा रोड से पटवारी के दफ्तर में रेड करके 5000 रुपये की राशि सने गिरफ्तार किया है। एक शिकायत जगननाथ सन ऑफ गरीबदास बासी पिंड जिंदवाल तहसील बंगा जिला नवांशहर वालों एक शिकायत की गई है कि मैं अपने फादर साहब तो पिता तो एक 6.5 मरले का प्लाट जगह ले सी। वो फर्द लैके तो पहली फर्द मैं घरों लैके जो इस संबंधी पटवारी को गया तो पटवारी माल हलके ने मैनू यही गल कही कि मैं तेरा रकबा पूरा कर देवगा पर ये बदले तेनों कुछ पैसे देने पैणगे। इन्हें कहा कि मैं तो गरीब आदमी हाँ भी इन्ने पैसे तो मैं दे नहीं सकता। उन्होंने 8000 की डिमांड की सी। ये कहिंदा भी मैं गरीब आदमी हाँ, मेहनत मजदूरी करदा, दिहाड़ीदार हैगा, राजमिस्त्री का काम करदा, भी इन्ने पैसे मैं नहीं दे सकता। ओहो अखीर ते सौदा इन्हां दा 5000 रुपए दे टुट गया। पटवारी ने कहा कि कुछ पैसे मेरा करिंदा लूगा, 2000 रुपए ते 3000 रुपया मैं लूँगा ते तेरा काम असी तेरा रकबा के दे देंगे। इस संबंधी आके ने साडे इंस्पैक्टर रेशम सिंह विजिलेंस ब्यूरो शहीद भगत सिंह नगर विच आके दरखास्त अपना बयान तहरीर करा कंप्लेंट दिती है। उस कंप्लेंट के आधार पर इनू साडी विजिलेंस ने ट्रैप ला के ते गिरफ्तार किया। नवांशहर तो सुखजिंदर सुखा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जब हैरी मेट सैजल के चौथे गीत बटरफ्लाई में ज्योति नूरा भैणा की हाजिरी में लुधियाना के वेव सिनेमा में रिलीज़ करने के बाद झांडे विखे सिर से डब्बियों वाला पन्ना बन के
खेतों में ट्रैक्टर चलाया। बॉलीवुड के बादशाह पंजाब के खेतों में प्योर देसी ढंग दे विच सिर ते डब्बियां वाला परना बन के ट्रैक्टर चलाउंदे विखाई दिते, जिसनू वेख के सारे पंजाबी काफ़ी खुश विखाई दे रहे सन। जिक्र योग है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल लई पंजाब दे दौरे ते सन। मैंने यार जैसे अभी किसी साहब ने कहा, मैंने बहुत सारी फिल्में की जिनका बैकड्रॉप या बैकग्राउंड पंजाबी है, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कि मैं पंजाब में हूँ, लुधियाना में इसलिए बोल रहा हूँ, बट एक बहुत कलरफुल लाइफ स्टाइल है सिख्स का, पंजाब का, मर्दों का, औरतों का, चाहे वो सेलिब्रेशन में है, चाहे वो यू नो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो गाने में है, चाहे वो नाचने में है। मैं खुद दिल्ली का हूँ तो मेरी बहुत प्रॉक्सिमिटी रही है विद पंजाब एंड द कल्चर। जैसा मैंने बताया, मेरी वाइफ की फैमिली जो है पंजाब से हैं, तो आई एम ऑल द टाइम सराउंडेड बाय देम, दे आर फ्रॉम होशियारपुर। सो आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजेंद्र नगर विच एक्चुअली हैड लॉट ऑफ पंजाबी कल्चर इन इट, सो आई हैव बीन रियली इंट्रोड्यूस्ड टू पंजाबियत फ्रॉम चाइल्डहुड। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।